हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत ही अच्छे से होंगे। हम भी अच्छे हैं फ्रेंड। और मैंने ये चावल निकाले हुए हैं उबालने के लिए। आज मैं यही बनाने वाली हूँ, क्योंकि हस्बैंड ने 2 दिन से मटर ला के रखी हुई थी, उनको खाने थे मटर वाले चावल वो पुलाव। और यहाँ पे ना इसमें मैंने नींबू डाला है, भूल गई थी। वापस से ढक्कन खोला इसका, फिर ये 2-3 बूंद नींबू की डाली है। इससे ना चावल बहुत ही अच्छे से बनते हैं फ्रेंड, मतलब ना वाइटनेस आ जाती है चावल में तो, और खिले खिले भी बनते हैं, चिपकते नहीं हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छे से बन गए चावल। और अब ना मैं चावल को तड़का लगा लूँगी। तो ये आलू ना मेरे पास पहले नहीं थे, तो ये मैंने बाद में अभी सब्जी वाले भैया हैं उनसे लिए हैं। तो मैंने अभी इसको सब्जी टाइप से बना लिया है, पर इसको मैं अच्छे से सुखा लूँगी पानी को ही, देखिए। और मटर भी डाल दिए थे, वरना मैं जब चावल उबालती हूँ ना तो उसी में आलू भी डाल देती हूँ साथ के साथ में, उसके बाद प्याज टमाटर और सब डाल के छोंक देती हूँ, और आलू चावल के साथ उबल जाते हैं अच्छे से। तो आज तो नहीं थे इसलिए मैंने इस तरह से बना दिया है, और चावल को अच्छी तरह से मिला दिया है जो मैंने उसका मसाला बनाया था। उसके बाद फ्रेंड मैं कपड़े धोने आ गई थी, और चावल तो खा ली, हस्बैंड भी चले गए थे खा पी के। उसके बाद मैं कपड़े धोने लग गई। इतने सारे कपड़े हो रहे हैं ना कि मतलब वो बोलते हैं ना, ओढ़ ही नहीं आ रहा है। तो ये हाल हो रहा है अभी। तो जो मैंने पहले आपको दिखाया है कि एक मैंने बड़ा सा कट्टा भर के रखा हुआ है, तो मतलब उसमें अभी 2 बेडशीट रह गई है, जो वेलवेट की बेडशीट होती है ना गर्म वाली, वो रह गई है। ये देखिए मैंने सुखा भी दिए हैं। वीडियो बहुत बड़ा नहीं किया है फ्रेंड, तो ये देखिए इनको डाल दिया है बाहर। और ना आगे कहीं भी रस्सी लगाने की जगह नहीं है, यहाँ पे लाइट चली गई थी फ्रेंड। और मैं बना रही हूँ मक्के की रोटी, और एक रोटी तो बना दी, एक तवे पे है, एक हाथ में है, बस 3 रोटी बनाई है। सुबह चावल बनाया था वो खा लिए थे थोड़े थोड़े से, अभी 2-2.5 बज रही हुई तो थोड़ी सी भूख लगी हुई थी। कढ़ी भी बनाई, अब शाम को देखते हैं, शाम को या तो नहीं बनाना होगा। यहाँ पे बन रही है कढ़ी, बन गई है पर मैंने गरम करने रखी है, क्योंकि मैंने पहले बना ली थी और अब वापस से गरम करने के लिए रखी है। फ्रेंड अब खाना भी खाएंगे, और हस्बैंड आज कुछ सामान लाने के लिए बोल रहे थे तो वो भी लेके आएंगे, देखते हैं कब तक आएंगे। सामान मतलब कुछ ऐसे ही हमने ला के रखा हुआ है जुगाड़ टाइप से, सामान वामान रखने के लिए ऐसे ही फर्नीचर छोटा मोटा, तो वो लाने वाले हैं, तो अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड थोड़ी देर से आप। और हस्बैंड आ गए थे ये टाइम पे, तो उन्होंने घड़ी को ऐसे ही नीचे रख दिया था, तो मैंने सोचा फूट जाएगी कुछ चीज़ भी अगर इस पे गिर गई तो मैं उठा लाई थी। और ये देखिए फ्रेंड घड़ी पे कितनी धूल है ना, मिट्टी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि 5-6 महीने हो गए रूम की सफाई किए हुए, हम यहाँ पर नहीं थे तो इस तरह की हो रही है सारी चीज़ें। और मैंने हस्बैंड को बोला कि ये इसको ना आप साथ के साथ ही लगा दो दीवार पे, मैं बाद में साफ़ करके वापस से लगा दूँगी, क्योंकि अभी कहीं इसको रखा ना तो मतलब फूटने के चांस हो जाते हैं ना, तो इसीलिए मैंने साथ के साथ इसको लगवा दिया है। और ये गीजर भी आ गया था, अभी भी काफ़ी सारे सामान हैं जो कि लाने हैं। और ये देखिए रजाई पिलो, ये सब मैंने कुछ इस तरह से अरेंज किया हुआ है इनमें, तो इनको ना एक आलमारी टाइप से मुझे बनाना है। इनके स्क्रू वगैरह मंगा के मार्केट से हस्बैंड को बोलूँगी, वो लेके आएंगे, और इसको मैं घर पे ही अच्छे से बना दूँगी। और ये कुछ इस तरह की है ना, छोटी छोटी सी आलमारियाँ जैसी है, और एक बड़ी और है इससे भी, तो उसमें ना किचन का सेटअप है, तो उसको मैं किचन के पास ही रखूँगी, और इसको यहाँ पे खिड़की या फिर बाथरूम के उस साइड में रख दूँगी दीवार के पास। और यहाँ पे देखिए हस्बैंड का सेटअप, वो 2-3 दिन से ना उन्होंने नया काम चालू किया है कुकिंग का, तो वो वीडियो भी डाल रहे हैं, अभी 2 ही वीडियो डले हैं बस, तो वो भी कोशिश में लगे हुए हैं। हस्बैंड भी बाहर का काम भी कर रहे हैं और वीडियो भी बना रहे हैं, तो फ्रेंड प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए हमें। और इसको मैं हटाने वाली थी अभी, उनकी कुकिंग तो हो गई थी, और यहाँ पर मैं थोड़ी सी सफाई कर रही थी। अब जैसे जैसे सामान आएगा ना फ्रेंड, वैसे वैसे सारी चीज़ें जमाती जाऊँगी मैं। तो ये देखिए ये डब्बों को ना मैंने अंदर से गीले कपड़े से साफ़ कर दिया था, और उसके बाद इनको
वापस से उसी में रख दिया है। तो हस्बैंड भी लगे हुए थे तकिया वकिया नीचे लगा के और आराम से बैठ के और लगे हुए थे, बोले तू मुझे देती जा मैं जमा देता हूँ। और यहाँ पे ना इनको देखिए साफ करते जा रहा है। और आगे मैंने सूट नहीं किया था क्योंकि इसमें मेमोरी फुल हो गई थी, क्योंकि हस्बैंड ने भी इसी में सूट किया था अपना कुकिंग वीडियो। और ये एक दिन पहले की क्लिप है फ्रेंड। तो हम जा रहे थे पास में ही कहीं घूमने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आसपास का माहौल। ये देखिए बिल्कुल नेचुरल है तो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने वीडियो भी बना लिया। और अभी इस वाली क्लिप में मैंने ऐड किया है ये। तो आगे ना काजू टाइसन को बहुत अच्छी जगह भी मिल गई थी खेलने के लिए, एक सेपरेट पोर्शन था किसी का पर्सनली, उन्होंने जाल वाल लगाया हुआ था। ये देखिए तो यहाँ से वो बाहर ये गई कहीं जा भी नहीं सकते थे, जो भैया थे ना उन्होंने बोल दिया था कोई दिक्कत टाइसन नहीं अटक आप गया, खेलने दो। वो भी गया। ला जाओ आओ ला जाओ पकड़ भूल गया आज का रास्ता। वीडियो फ्रेंड इतना ही था, कैसा लगा है प्लीज़ बताना ज़रूर। और चैनल पे जो नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।